कुछ नहीं देखे हम तुम देखो नहीं पीछे पीछे जाओ चल भाई पीछे पीछे हो जाओ यार बहुत है बहुत आराम से राम राम से पीछे हो जाए यार बहुत सारे हैं अरे यार राम राम से भाई टीसीडी से बढ़ाकर के 3500 की जो क्षमता को बढ़ाने का जो दूर सदन कार्यक्रम है पीछे पीछे हो चलो भाई चलो 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 यार चलते रहो चलते रहो साइड में थोड़ा पीछे पीछे फोन थोड़ा चलो 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 एक मिनट सर और ज्यादा से ज्यादा पीछे हो यार पीछे पेड़ घर पर सर हमारे बीच में क्या करेंगे इसके साथ 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 37 शिलान्यास है जिनकी लागत 220 करोड़ रुपए है उनका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी द्वारा किया जा रहा है और जो उद्घाटन किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलो 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 यार चलो पुरुष में खंड कार्यालय भवन का उद्घाटन जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए है इसी प्रकार जिला ऑडिटोरियम चंद्रवाल का उद्घाटन जिस परिसर में आज हम खड़े हैं इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं ये 10 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हम सब कलावासियों को दी है इसके साथ साथ लगभग 800 रुपए के अपने कमरों से उद्घाटन व शिलान्यास करने के उपरांत माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी माननीय विधायक सरदार बख्शी जी माननीय जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद जी माननीय अशोक सुखीजा जी माननीय ओएसपी श्री अमरिंदर सिंह जी मंडल अध्यक्ष भाजपा के एक से बढ़कर एक सम्मानित नेतागण देवी एवं सज्जनों आज का दिन महोदय जी हमें करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए आज करनाल में बिठा रहे हैं मैं एक बार फिर से सम्मानित मंच और इस स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ मैं माननीय श्री जगमोहन आनंद जी जिला अध्यक्ष अपने सभी साथियों की ओर से अभिनंदन करे स्वागत करे आदरणीय जगमोहन आनंद जी आप लोग इधर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री उनके साथ उनके कैबिनेट के साथी और हमारे जिले के इंद्री विधानसभा सीट से विधायक और मंत्री आदरणीय करणदेव कंबोज पंथी जी हमारे करनाल की प्रथम महिला मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी आदरणीय श्री अमरेंद्र जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी में बैठे हुए और मेरे पीछे मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथि मेरे कार्यकर्ता बंधुओं पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी आप अभी सभी 90 की 90 विधानसभाओं में देवा यधीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया स्वाहा ओम अंजनी ओम हलिंग बगला मुखी सर्दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभया चिब्बां की मुक्तमोत्तमं सबं पठन परं ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संत दोहनं हि देहि नाम सुसंकरस्य चिंतनं स्वाहा नमः मुख्यमंत्री जी ने एक ही अपने कलम से उसको पास कर दिया और ये लगभग 35,000 टन का जोरदार ताली हो जाता है और लगभग अब की बार 19,000 एकड़ में ओम नाभ्या आसीनताय शक्तिं जाई की गई है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यन्तो मनोरथा शत्रुणा बुद्धिनाशाय मित्राणाम् उदयस् गन्ने का भाव पिछले साल लगभग 340 रुपए क्विंटल दिया गया जो भारतवर्ष में जो अपेक्स से जुड़े अपेक्स से जिन्होंने ऋण लिया है सोसाइटी से करोड़ों रुपए की सौगात हमारे को देकर जाते हैं लगभग 600 करोड़ की लागत से
आज भी कि भोजन कैसे बुलाया जा सकता है, उसी दिन से सबक नहीं कि अब 20 रुपए की फाइल और उसके फ्रंट पेज पर या लास्ट पेज पर लिखा होता है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप सरल केंद्र हमारे को दिया कि मैं लगभग उसमें उसका ब्यौरा वहाँ मिलता है, किस दफ्तर की कौन सी स्कीम है, कैसे उसका फार्म भरा जाता है, हमने कौन सा फार्म भरा था, उसका क्या हुआ। हरियाणा करनाल में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में एक युक्ति है कि आपको तंग कर रहा है, किसी को व्यक्तिगत दिक्कत है, कोई भी किसी चाहते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पगड़ी एक मान और सम्मान का प्रतीक है, मेरा साइड और हमारे मंत्री भारतीय संघ मजदूर संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप विनय प्रताप जी से सराय और आज के मन की नया की नया बुद्धि विनाते हरिंग ओम स्वाहा ओम हरिंग बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम अत घोरेभ्या घोर घोर दरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र मृत्युंजय राव व्याधि पीड़ितो कर्म बंधने स्वाहा ओम मृत्युंजय महादेव त्रिहु प्रबद्धे शाम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम प्रबद्धे वा गोजः सहुजो मयि प्राणपानो। साल से डिमांड चल रही थी, 42 साल पुरानी ये मिल है, हर मिल का एरिया के हिसाब से आवश्यकता होती है उसकी अपग्रेडेशन की, उसकी क्षमता बढ़ाने की, तो इसकी क्षमता अब बढ़ाई गई है। 35,000 क्विंटल गन्ना इस मिल में, जो अभी तक 22,000 क्विंटल था, वो 35,000 क्विंटल गन्ना इस मिल की क्षमता बन जाए, ताकि हर साल भर में 50 लाख टन ये गन्ना इसका खरीदा जा सके। 50 है तो 50 का और टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो 60 भी हो सकता है। नॉर्मल 50 लाख है, लेकिन अगर मान लो कभी ज़्यादा भी हो गया तो कुछ दिन फिर बाद में थोड़ा लेट तक भी चलानी पड़ती है या थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ता है, वो फिर गन्ना वायबल नहीं होता किसान को भी। तो इसलिए 50 लाख एक आदर्श इसकी कैपेसिटी है साल भर की। और इसका पूरा फायदा मैं समझता हूँ जमुना के साथ साथ की जो बेल्ट है जिसके अंदर गन्ना होता है, इस पूरे फायदे इसको लाभ मिलेगा। और इस अवसर पर मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें किसान अगर आगे आने लग गया तो हमारे प्रदेश का भला होगा, समाज का भला होगा। सर आप आगे आ रहे लेट ला भी नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, प्लेट दो भाई, प्लेट साइड से लो। अरे यार जवान जी, जवान साहब थोड़ा सा बस बस प्रधान के साथ जो है समय रख सकते हैं किस प्रकार सभी अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि तालियां बजाकर श्री राजकुमार चौहान जी से वो अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध जिला कमेटी से है वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री राजकुमार चौहान जी से वो अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध जिला कमेटी से है वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बार एसोसिएशन करनाल की तरफ से उनका यहाँ उनके साथ गणमान्य व्यक्ति आए हैं, मेरा उनको विशाल धन्यवाद। आप सभी की मेरा अनुरोध को का संचालन करें श्री जी के सिंह जी तालियों के साथ श्री मनोहरलाल जी खट्टर मुख्यमंत्री श्री जगदीप जैन माननीय जिला सत्र जज SSC करना OSU CN सुनी जाए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। बार एसोसिएशन करनाल के प्रांगण में आने पर उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं यहाँ का विधायक भी हूं और स्वाभाविक है कि अब जो कि चुनाव आए हैं तो मुझे कुछ समय चुनाव से पूर्व
यह लगाना ठीक लगता है। तो आज दिन भर के मेरे कुछ कार्यक्रम हैं और उसमें पहला कार्यक्रम अभी बार एसोसिएशन का है, अभी शुगर मिल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, बाद में कुछ उद्घाटन शिलान्यास भी हैं। तो इस प्रकार से आज दोपहर के बाद के कार्यक्रम करनाल के मैंने रखे हुए हैं और एक दिन में फिर भी जल्दी आने वाला हूँ तो कुछ कार्यक्रम उस दिन करेंगे। आपसे मिलेंगे कुछ जो विषय अभी पेंडिंग थे उन सब के क्लियरेंस हो गई है, उसके कुछ के टेंडर लग जाएंगे अब और आज उनके शिलान्यास कर दिए, कुछ टेंडर लग गए कुछ और लगने वाले हैं ताकि चुनाव आचार संहिता से पहले पहले ये काम जितने पूरे होने वाले सब हो जाए। देखिए जनता का जितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा सब, और अभूतपूर्व एक समर्थन मिला है और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो हमने 75 का अपना लक्ष्य रखा है उसको हम पार करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि केवल मोहरे बदलने वाली बात है तो इसलिए कोई अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं। सिफारिशें बहुत आ रही हैं, कोई आपकी सिफारिश हो तो कर दे दो। लोग आते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो लोग टिकटों के लिए आएंगे उनसे मिलेंगे उनके बाहर आएंगे फिर हमारी मीटिंग होगी इंटरनल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर प्रदेश लेवल पर, अल्टीमेटली पार्टी का जो हमारा वो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड वो इस पर पहल करता है, वो तो जा करके कहीं चुनाव जब घोषित हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ भी दायित्व की टिकट कटनी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है सर। एक्साइज एंड सेल टैक्स सर डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, अभी हाल ही में ना 3 को सस्पेंशन के ऑर्डर भी दिए गए हैं लेकिन यहाँ के DETC मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं जी, पिछले 2 साल से पहले से भी चार्जशीट है सर। कोई व्यक्ति किसी भी दोष में इंक्वायरी के बाद अगर थोड़ा भी उसका संलिप्तता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हमारे पास कम से कम जो शिकायत आई है जी उसके आधार पर प्रारंभिक हमने जो एक्शन लेना था ले लिया है, अब उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसका जो सामने आएगा।